हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करवाने वाली हूँ बीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। आज के इस वीडियो के अंदर पूरा पीडीएफ मैं आपको शो करूँगी, पांचों यूनिट का कम्बाइंड सिंगल पीडीएफ। एक एक करके मैं आपको यहाँ पर पेज स्क्रॉल करूँगी। आप चाहे तो यहाँ से देख कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट खुद के नोट्स भी बना सकते हैं। ये जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर है बीएससी फिजिक्स के अंदर, इसमें पांच यूनिट है आपकी, यानी पांच अलग अलग चैप्टर हैं। तो पांचों के चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पर वीडियो के अंदर मैं शो कर रही हूँ। फिलहाल ये यूनिट फर्स्ट चल रही है आपकी, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड वाली। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट पीडीएफ चाहिए, उन सभी के लिए पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप लिंक से पीडीएफ परचेस करेंगे तो वो पीडीएफ आपकी ईमेल आईडी पर आएगा, तो आप अपनी ईमेल आईडी चेक करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जिन्हें फ्री में पूरी पीडीएफ चाहिए तो वो वीडियो में से देख सकते हैं, यहाँ पर मैं पूरा पीडीएफ शो करूँगी। काफ़ी बड़ा पीडीएफ है ये, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन पूरा पीडीएफ आपको यहाँ पर अच्छे से शो हो जाएगा। ठीक है, आप फिर खुद से भी इसका पीडीएफ बना सकते हैं, या फिर आप खुद से यदि लिख लिख कर एक एक टॉपिक की प्रैक्टिस भी कर लें तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि मैं ही चाहती हूँ कि एक बार तो पूरे नोट्स खुद के हाथों से बन ही जाए, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम में लिखने की प्रैक्टिस है वो भी हो जाए और फिर आपको आगे दिक्कत भी ना आए। ठीक है, नोट्स के नोट्स बन जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपको। अब यहाँ से आपकी यूनिट सेकेंड स्टार्ट होती है, जो कि है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाली। इसमें वो सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं जो कि आपके बीएससी के सिलेबस में दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, केवल और केवल आपने बीएससी फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के लिए ये नोट्स भी पढ़ लिए, देन ये आपके लिए मोर देन एनफ है। इन नोट्स के बाहर से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, इस चीज़ की श्योरिटी के साथ ये नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ। यदि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी फिजिक्स की डिग्री कर रहे हैं, चाहे आप जनरल के स्टूडेंट हों या फिर बीएससी फिजिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट हों, यदि आपके बीएससी फिजिक्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर है एंड उसके अंदर यही पांच चैप्टर्स है। वैसे तो मैंने यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस देख लिया है सभी का, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर है उसके अंदर चैप्टर्स सेम ही हैं। ठीक है, तो उन सभी के लिए ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आप इन नोट्स को कंप्लीट करिएगा। अब यहाँ से देखिए, इसमें पार्ट टू लिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर। अब यूनिट सेकंड के अंदर क्या आपके दो पार्ट हैं, तो पहला पार्ट तो वहीं पर ख़त्म हो गया और ये उसका दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। इस तरीके से आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे, केवल ये जो मैं पीडीएफ आपको दिखा रही हूँ ना, इसको कंप्लीट करना है आपको। इसमें कोई भी टॉपिक आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपको जो बीएससी के पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो इसी पीडीएफ के अंदर से मिल जाएंगे सारे के सारे। और यदि फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मतलब एक बार यदि आप चेक करना चाहते हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन निकालिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर के, और फिर इन नोट्स से चेक करिएगा। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। आप चाहे कोटा यूनिवर्सिटी से हो, राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो, अदर किसी यूनिवर्सिटी से हो, शेखावटी, मदरसा, राजस्थान के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप अदर स्टेट के भी किसी यूनिवर्सिटी से हो, लेकिन यदि आपके पास फिजिक्स के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का पेपर आता है बीएससी के अंदर, देन ये नोट्स आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि जो मैंने चैप्टर्स देखे हैं वो ऑलमोस्ट सभी में सेम से ही हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी यूनिट थ्री स्टार्ट होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। यूनिट टू तक हमने नोट्स देख लिए। मेन जो मैं इस पेपर के अंदर है ना, वो है आपके डेरिवेशंस ही डेरिवेशंस, और डेरिवेशंस केवल और केवल तभी याद होंगे जब आप उनकी लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि या तो आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वो भी आपका ठीक है, खैर अपने अपने अकॉर्डिंग सब कर लेते हैं, बट यदि आपको फ्री में पूरा पीडीएफ चाहिए ना, तो आप वीडियो में से देख देख कर ही खुद के नोट्स बनाएंगे, तो आपके डेरिवेशंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। वो डेरिवेशन की एक एक लाइन जब आप सॉल्व करोगे ना, तभी आपके हाथों को वो डेरिवेशन की लाइंस याद होगी, और तभी आप उसे एग्ज़ाम में बिना देखे लिखकर आ पाएंगे। आपको एग्ज़ाम से पहले भी डेरिवेशंस की सारी प्रैक्टिस
कम से कम 3 से 4 बार करनी पड़ेगी। थ्योरी तो फिर भी चलो आपने पढ़ी, थोड़ा सा याद हुआ, थोड़ा सा बनाकर लिख आए, लेकिन जो डेरिवेशंस हैं उनकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। डायग्राम भी यहाँ पर मैंने अच्छे से बनाए हुए हैं ताकि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। राइटिंग भी ठीक ठाक है, सभी स्टूडेंट्स के समझ में आ जाएगी। इसके अलावा जो आपके अदर फिजिक्स के पेपर्स हैं, अदर जो चैप्टर्स हैं, जितने भी आपके फिजिक्स के अंदर जो भी और पेपर्स हैं, तो उन सभी के नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट चेक करना। यहाँ से आपकी यूनिट 4th स्टार्ट हो गई। 5 यूनिट आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स के पेपर के अंदर, 5 यूनिट कवर की हुई है इसमें। सभी पेपर्स की जो नोट्स की वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप अपने मीडियम के अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट चेक करना, वीडियो ओपन करना। वीडियो में आपको नोट्स दिखाए हुए होंगे और उन वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट क्वेरी रिलेटेड है बीएससी एग्जाम से, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ से नोट्स लेकर अपनी बीएससी की पढ़ाई कर सकें। ये नोट्स सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं इन नोट्स से। काफ़ी स्टूडेंट्स ने सिर्फ नोट्स पढ़कर ही अपनी 85% तक बनाई है। मेरे चैनल पर मैंने सभी सब्जेक्ट्स के नोट प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप केमिस्ट्री एंड मैथ के नोट भी ले सकते हैं। जो भी बीएससी जनरल के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो केमिस्ट्री और मैथ्स के नोट्स भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। स्पेशली फॉर कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी ये नोट्स एकदम परफेक्ट हैं। कहीं भी आपको मतलब एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नोट्स हो गए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन बन रहा है, तो मैं इसे ऐसे ही याद करूँ। जिनमें थ्योरी है उनको थ्योरेटिकल, जिनमें डेरिवेशन पूछे जा रहे हैं उनका पूरा डेरिवेशन याद करें, जिनमें दोनों ही आ रहे हैं तो उनका कंप्लीट आपको याद करना है। और एग्जाम में जब आप लिख के आओ तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिख के आना। यदि बड़े मार्क्स में आ रहा है तो थ्योरी, डेरिवेशन, डायग्राम सारी चीज़ें करके आओ। यदि शॉर्ट में आ रहा है तो आंसर मतलब मार्क्स के अकॉर्डिंग जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है उतना ही करके आए, ठीक है। बीएससी एग्जाम से रिलेटेड भी काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको चैनल पर, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आता हूँ, प्लेलिस्ट के लिंक्स डाल दूंगी सारे, वहाँ से आप देख लेना। अब देखिए यहाँ से लास्ट यूनिट आपकी यूनिट 5 मैग्नेटोस्टेटिक्स स्टार्ट हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से दिख रही होगी। यदि वीडियो में जो नोट्स के वर्ड्स हैं वो क्लियर ना दिखे ना, तो आप वीडियो का रेजोल्यूशन हाई कर लेना, ताकि आपको एक एक वर्ड अच्छे से नज़र आए, आप यहाँ से अच्छे से नोट्स देख पाएँ। एक तरीके से आपका नोट्स का डेमो है ये, वीडियो में से आप नोट्स देख लो और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ लिंक आप परचेज कर सकते हो। ये इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। यहाँ से आपका सेकेंड पार्ट यूनिट 5 का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप खुद ही इसमें देख रहे होंगे कि कितने लंबे लंबे डेरिवेशंस चल रहे हैं, तो डेरिवेशंस के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस, लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस। केवल नोट्स से पढ़ लिया तो डेरिवेशन याद नहीं होगा, इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में बैठा लें कि डेरिवेशंस के लिए 3-4 बार रफ में प्रैक्टिस ज़रूर करें, अभी नहीं तो एग्ज़ाम से पहले तो कर ही लें, ठीक है। यहीं पर पूरा पीडीएफ कंप्लीट होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पेपर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स।